नमस्कार। कक्षा 12 में और डे 188 में पिछली क्लास हमने कर ली थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव चल रहा है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्वेश्चन मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था 100% आएगा, फिर बता रहा हूँ 100% आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने ये डायग्राम समझ लिया था, नहीं देखा था पहले वो देख लिए, समझ लिया उसको, वरना फिर ये आगे का पता नहीं चलेगा। तो हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ज़्यादा से भी क्लियर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विभव, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, वोल्टेज का, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हमने किया था तीव्रता का प्रभाव, तीव्रता के बारे में हमने कर ली थी बात कि तीव्रता बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने इस तरह से इसको कनेक्शन कर रखा है, ये यहाँ से देखें तो इधर एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है और इधर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है। ये ग्राफ समझना भी ध्यान से, इसका ग्राफ बनाएंगे, थ्योरी भी लिखेंगे, एक डेफिनेशन भी इसके अंदर आएगी, बहुत सी चीजें आएंगी। हम दोनों बात करेंगे कि एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दे तो क्या होगा और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दे तो क्या होगा। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे पहले क्या होता है, जैसे आपतित प्रकाश आपतित होता है, ये प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है तो पहले तो ऊर्जा दो भागों में काम आती है, हम आगे ये टॉपिक पूर्ण होने के बाद बात करेंगे। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी उसके अनुसार प्रकाश जो फोटोन के रूप में आता है इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है, वो ऊर्जा दो भागों में विभाजित होती है। ऊर्जा का एक भाग तो पृष्ठीय अवरोध को पार करने में काम आता है, जो हमने पढ़ लिया जिसको कार्यफलन कहते हैं, वही हमने बात की थी। अगर ऊर्जा बच जाएगी तो गतिज ऊर्जा में काम आएगी, तो जो ऊर्जा इसको मिल रही है ऊर्जा वो पृष्ठीय अवरोध को पार करने में भी खर्च हो रही है ना, बाकी जो ऊर्जा बच रही है उससे वो क्या कर रहे हैं, उससे वो गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और आगे जा रहे हैं। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो यहाँ पहुंच जाएगा और धारा प्रवाह में भाग लेगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। जिसकी ऊर्जा एनर्जी जिसकी कम है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो रास्ते में रुक जाएगा, और कम है तो वो यहीं रुक जाएगा, और कम है बिल्कुल कम है तो वो बाहर ही निकल पाएगा, ये कंडीशंस होंगी ना। तो क्या होता है जब प्रकाश आपतित होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो तो वहाँ पहुँचाते हैं एनोड पर, तो कुछ मात्रा में तो धारा प्रवाहित होती है जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। देखो ग्राफ भी मैं बनाता हूँ इसका साथ साथ, हम दोनों वोल्टेज की बात करेंगे, यहाँ जीरो है, इधर लेने आई थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर ले रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज, इधर हम ले रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज। जीरो से आगे जाएंगे प्लस, जीरो से फिर से जाएंगे माइनस, संख्या ले जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, कुछ प्रारंभ में जब अप्लाइड वोल्टेज जीरो है, हमने यहाँ बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया है तो भी करंट होगा कुछ ना कुछ, समझ रहा है ना, जीरो नहीं होगा कुछ ना कुछ हो, कहाँ से आया वो, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ पहुंच जाएंगे तो वो करंट तो फ्लो होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज, अब हम यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये एनोड पर धनात्मक विभव बढ़ता है, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऋणावेशित है ना, और ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रॉन आगे गति करने लगे, जो यहाँ थे उन तक आकर्षण पहुंचेगा तो उनको खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन, ये एनोड यहाँ तक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आकर्षण पहुंचेगा, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आगे से आगे के इलेक्ट्रॉन भी इधर खींचे आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे तो विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा बढ़ता रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता रहेगा, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान भी इस प्रकार से बढ़ रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, एक वोल्टेज इतना हो जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन थे जो यहाँ वाला था, यहाँ से उत्सर्जित हुआ था, वो उसको भी इसने खींच लिया, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इसने आकर्षित कर लिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन अब गति करने लग जाएंगे, परिपथ में गति होती
रहेगी और परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहेगी, वही धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो क्या हो गया, अब संतुलन हो गया, निश्चित हो गया मान, संतृप्त हो गया मान, कांस्टेंट हो गया मान, मैक्सिमम पीक वैल्यूज ने जो है वो प्राप्त कर लिया अपने। इसके बाद में अब हम वोल्टेज और भी बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या, है ही नहीं, और कहां से आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए उस स्थिति में वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो लेकिन धारा का मान नहीं बढ़ता है, इस स्थिति में धारा को कहते हैं संतृप्त धारा। एक परिभाषा आ गई अभी इसके अंदर, इस स्थिति में धारा को क्या कहते हैं, ये जो ग्राफ है इसको संतृप्त वक्र कह सकते हैं, और इसके संगत जो धारा होती है, इसके संगत जो धारा है ये वाली, इसको क्या कहेंगे, इसको संतृप्त धारा कहेंगे। आगे ना समझ, अब क्वेश्चन में ये पूरा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन में तो ये कहा जाएगा कि संतृप्त धारा को परिभाषित कीजिए। अब तो हम पूरा थोड़ी पढ़ाने बैठेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, दो लाइन में बताना है, तो हमें ये बताना है प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब एनोड पर धनात्मक विभव आरोपित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। एक निश्चित अधिकतम धनात्मक विभव पर सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाते हैं, या और भी शॉर्ट में लिखे तो ये लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में एनोड पर अधिकतम धनात्मक विभव पर, एक निश्चित धनात्मक विभव पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। इसके बाद यदि वोल्टेज को बढ़ाया भी जाता है तो धारा के मान में और वृद्धि नहीं होती, इस निश्चित धारा को संतृप्त धारा कहते हैं, इस निश्चित धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो ये हो गई संतृप्त धारा, ये हो गया पॉजिटिव विभवांतर। तो आपको लिखना भी ऐसे ही, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, आप इसको बाद में थोड़ा रोक रोक के वीडियो को फिर लिख लेना, क्या क्या लिखेंगे इसमें, कि यदि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव में एनोड पर धनात्मक विभव बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित होने लगते हैं और प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। एक निश्चित धनात्मक विभव पर अधिकांश या सारे इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाते हैं, उस स्थिति में परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, इस अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो धनात्मक वोल्टेज की बात आएगी तो संतृप्त धारा एक बात निकल के आ गई, ये बात इसमें पूछी जा सकती है। दूसरी बात ऋणात्मक की, वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग आता ही रहता है क्वेश्चन। अभी तो हमने पॉजिटिव आया, अब हमें इसके टर्मिनल बदल दें तो इधर से नेगेटिव वोल्टेज जो है वो इधर से इसमें जाने लगे, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें अगर ऋणात्मक विभव, तो ऋणात्मक तो इधर जाएगा, ग्राफ इधर जाएगा, आप देखो क्या होगा, जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव पार्टिकल, यहाँ भी नेगेटिव वोल्टेज, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्टिकल रिपेल होगी, प्रतिकर्षित होंगी, प्रतिकर्षित होंगे, तो जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो तो पहुंचते रहेंगे, ठीक है, जिसकी कम है वो रुकना शुरू हो जाएंगे। हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे प्रतिकर्षण का मान बढ़ता रहेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन रुकने शुरू हो गए ना तो धारा का मान क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, तो धारा का मान ये देखो नीचे आने शुरू हो गया, कम होने लग गया। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक ऋणात्मक वोल्टेज ऐसा होगा जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस स्थिति में जितने भी अधिक से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है इनकी, सबसे ज्यादा जिसकी गतिज ऊर्जा है उसको भी प्रतिकर्षित कर देगा, फिर एक भी नहीं पहुंचेगा, एक भी नहीं पहुंचेगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो उस स्थिति में धारा का मान क्या होगा, जीरो। इस विभव को कहते हैं निरोधी विभव, ठीक है, इसके लिए एक नाम और यूज करते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, और एक नाम और यूज करते हैं इसके लिए, तो ध्यान नहीं आ रहा, अंतक विभव, अंतक विभव यूज करते हैं इसके लिए, एक वर्ड अंतक विभव, इसको दूसरा नाम है निरोधी विभव, पेपर में निरोधी विभव लिखा आता है, अंतक विभव भी आ जाता है, और इसको कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल इंग्लिश में,
और ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक अच्छी तरह से कर लें, ग्राफिकल स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे। तब आपको देखो अभी तो दूसरे ग्राफ पे जा रहे हैं, तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, अभी तो दो तीन चीजें और है इसके अंदर। फिर जब सारे हो जाएंगे तो उसके बाद मिक्स वाली स्थिति आती है, तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो दिक्कत नहीं आती। तो इसमें वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए क्या हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो हो जाए, उसको विरोधी विभव कहते हैं। बी नोट से लिखते हैं, बी नोट से। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो एक परिभाषा और आगे महत्वपूर्ण, कौन सी, निरोधी विभव किसे कहते हैं, अंतर विभव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अपने को एक नंबर के लिए पूरा नहीं बताना, अपने क्या बताना है, वह ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक है ना, दिख रहा है ऋणात्मक है, नेगेटिव लगाया हमने, वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। बस एक लाइन में इतना बता सकते अंतर विभव हो रहा है ना, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य। डिटेल से जब आपको व्याख्या करनी आए कि व्याख्या करो दो नंबर में या तीन नंबर में, तो आप थोड़ा सा ये भी बताएं उसके अंदर कि ये हुआ कैसे है। जब हम ऋणात्मक विभव अप्लाई करते हैं एनोड पर, तो इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है जिससे प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती रहती है। एक ऋणात्मक विभव ऐसा प्राप्त होता है जिसके लिए सभी इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं प्रतिकर्षण के कारण, एनोड पर नहीं पहुंच पाते, इस स्थिति में धारा का मान जीरो हो जाता है और यह स्थिति अंतक विभव की स्थिति कहलाती है। और एक बात और, ये जो विभव है ये कौन सा वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जिसने सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। तो ये क्या बताता है, एक क्वेश्चन और भी आता है इसके अंदर कि ये अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप है, ये मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसका भी मेजरमेंट कर देते हैं। तो अगर अपने पास निरोधी विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको एक लाइन लिख देता हूँ, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, अंतक विभव। दो बातें इसमें से सामने आती है निकल के, एक अंतक विभव आती है, दूसरी आती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अंतक विभव का कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, वह नेगेटिव वोल्टेज, वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है अंतक विभव या निरोधी विभव कहलाता। दूसरी बात, निरोधी विभव को वी नोट से लिखते हैं, निरोधी विभव, नोट डाल के लिखते हैं ये बात, निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप होता है। तो 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू ev नॉट, क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वर्क होता है ना, विभव किसकी परिभाषा है, विभव की परिभाषा ही है, वोल्टेज की परिभाषा ही तो है, अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू w/q0। तो w इज इक्वल टू VQ हो गया ना, VQ नोट, Q की जगह आवेश फिक्स हो गया ना, या Q का मतलब कोई भी आवेश हो सकता है, या तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह E यूज करेंगे, तो EV नोट आ गया। We can write as a in short form kinetic energy, maximum kinetic energy is equal to EV नोट, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, kinetic energy। Velocity फॉर्म में भी कहें, अगर वेग के फॉर्म में कहें तो आप V के मैक्सिमम लगा सकते हो, बिकॉज 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, m इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, तो ये तो फिक्स हो गया। तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस वी मैक्सिमम होल स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी नॉट, ऐसा आपने बता सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गई इसके अंदर एक बात। दूसरी बात, अभी एसी के अंदर एक ग्राफ और बढ़ाएंगे, अभी इसी को थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग
हो जाता है एक चीज और इसके अंदर, वो क्या है, यदि भिन्न भिन्न आवृत्तियों का प्रकाश आपतित होता है लेकिन उनकी तीव्रता समान है, तो पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न भिन्न आवृत्तियों मतलब है कल अलग अलग कलर का प्रकाश है लेकिन तीव्रता बराबर है। 60 वाट का बल्ब है तो सारे 60-60 वाट के बल्ब है, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का, एक हरे रंग का है, तीनों अलग अलग है तो तीनों की तीव्रता समान है तो तीनों की ऊर्जा भी समान है, सॉरी तीव्रता समान है तो संतृप्त धारा समान है। तीनों की क्या आवृत्ति अलग अलग है, क्योंकि तीनों का कलर अलग अलग है, तीनों का कलर अलग अलग है तो आवृत्ति अलग है, आवृत्ति अलग है तो उनकी ऊर्जा अलग है। आगे ना समझे, ऊर्जा अलग है ठीक है, गलत बोल दिया, ऊर्जा अलग है इनकी और इनकी क्या तीव्रता समान है। अब देखो एक बात आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, तीव्रता का रिलेशन है किससे, संतृप्त धारा से, ये बात आप ध्यान रखना ठीक है। निरोधी विभव इसका रिलेशन है आवर्ती से, क्योंकि आवर्ति का रिलेशन है ऊर्जा से, और ये लिखा है हमने, ये किसको बताता है, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा को बताता है। तो ऊर्जा कहां से आई है, आवर्ति से आई है ऊर्जा। तो अब क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री तीन भिन्न भिन्न आवर्तियों के लिए, तीन भिन्न भिन्न आवर्तियों के लिए ग्राफ पढ़ रही है प्रकाश विद्युत धारा। तो आवर्तियां भिन्न भिन्न है लेकिन उसमें ये कह देंगे कि तीव्रता समान है, तो तीव्रता समान है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं और ग्राफ बनाता हूं दोबारा। यहां आवर्ती है अपने पास तीन है, न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, समझने के लिए आप दो भी ले सकते हैं, तीन में कर सकते। तो क्या होगा, जैसे एक आवर्ती ये है और ये आगे संतृप्त है, इस ये जो आवृत्ति है वो न्यू वन है ठीक है, इससे ज्यादा आवृत्ति है न्यू टू, कम ज्यादा का भी ध्यान रखना है, अभी मैं ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल नहीं लगाए मैंने इसीलिए, अब लगाऊंगा। इससे ज्यादा आवृत्ति है न्यू टू, आवृत्ति ज्यादा है तो, आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी ठीक है, ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होगी, तो उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए नेगेटिव वोल्टेज भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब निरोधी विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा, नेगेटिव वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा, आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा। तो अब अगली आवृत्ति है न्यू टू, ये इसके लिए, इसके लिए तो निरोधी विभव है, वी नोट लिखते हैं, वी नोट वन लिख देते हैं, इसको बुक्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं अपने, लिखते हैं ग्राफ में। लेकिन अब ये ध्यान है इस ग्राफ में क्या सिमिलरिटी है, कि ये आएगा वहीं पर लेकिन इसके निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है तो इसके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज्यादा है तो रोकने के लिए हमें नेगेटिव वोल्टेज भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या देगा, वी नॉट टू। तीसरी बात लेते हैं वी नॉट थ्री, ये भी पहुंचे वहीं, इसके लिए ये न्यू टू है, इसके लिए न्यू थ्री है। अब देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, न्यू थ्री, जिसकी आवृत्ति है ठीक है, ऐसे कहेंगे आपको, ऐसे कहा जाएगा। तो आपको क्रम का ध्यान रखना है, यहां सबसे ज्यादा किसकी है, अगर आपको कह दे ये सबसे कम है तो आप यहां से शुरू करेंगे, यहां न्यू थ्री ले लेंगे, ऊपर न्यू टू ले लेंगे, ऊपर न्यू वन, जैसा कहा जाए, पता चल रहा है ना किसका निरोधी विभव ज्यादा है, इसका ज्यादा है। या एबीसी लिख देंगे ग्राफ में, एबीसी लिख देंगे, बताइए किसके लिए, किस धातु के लिए या किस प्रकाश के लिए यहाँ T
निरोधी विभव अधिकतम है, सबसे ज्यादा है, या इनको घटते क्रम में लिखो या इनको बढ़ते क्रम में लिखो। अब इसको लगा देते क्रम अपने, सबसे कम किसका है, यह ना न्यू वन आवर्ती है सबसे कम। इधर वाला जो पार्ट है ये क्या होता, छोटा होता ना, इधर इस तरह होता है, ये बड़ा पार्ट होता है, और इससे भी ज्यादा कौन सा है। क्लियर, समझ आ गई ना बात, इस तरह से लिख सकते हैं हमने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये भी लिख दो, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है, इससे कम, इससे कम, आगे ना समझो। तो ये दो बात इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि अब संतरण धारा कब बढ़ेगी, जब तीव्रता बढ़ेगी। अब तीसरा अगर आप बढ़ा दे इसी में, अगर कह दे भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए जिनकी आवृत्ति समान है, इसका मतलब दोनों ही लाल कलर के बल्ब है लेकिन 160 वाट का 100 वाट है, तो उनमें ऊर्जा तो समान है उनकी, क्योंकि आवृत्ति समान है, आवृत्ति समान है तो ऊर्जा समान है। उस स्थिति में ये मान नहीं बदलेगा, कौन सा, निरोधी विभव का मान, लेकिन क्या बदल जाएगी, हो गया ना कंफ्यूजन। इसलिए इसलिए आप ये अगर ध्यान रखोगे ना, तीव्रता का लेना देना किससे है, तीव्रता का आवर्ती से कोई मतलब नहीं, आवर्ती जहां वर्ड आ गया वहां की किसका काम आएगा, बस इतना ध्यान रखना, आवर्ती का काम है निरोधी विभव से और तीव्रता का काम है संतरण धारा से। तो फिर हम लिखने वाला काम तो कर लेंगे, आपसे ग्राफ बनाए जाएंगे, एक बात तो बनवाई जाएंगे पेपर के अंदर, दूसरा ग्राफ बनाए हुए मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, ए बी बिंदु मिलेंगे उनके अंदर लिखे हुए, पी धातु क्यू धातु ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपको रिलेशन बनवाए जाएंगे किन में आवर्तियों में किसकी आवर्ती ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी डेली व्यू किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आवर्ती जब माइंड में आ जाए आपके पास, तो आवर्ती रिलेशन ऊर्जा से, तो जहां ऊर्जा की नौबत आए ऊर्जा से भी रिलेट करते हैं। आगे अब तीसरा ग्राफ और इसी के अंदर हम बढ़ाते हैं, इसको बैठा दे अभी तो हमें इसकी जरूरत और रही है, बाद में बढ़ा लेंगे इसको। अब तीसरा ग्राफ ये क्या है, ये ग्राफ किसके लिए है, जब समान तीव्रता का भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो, आवृत्ति अलग अलग है। अब देखो ग्राफ बढ़ा रहे हैं, जब क्या हो, आवृत्ति समान हो और भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश आपतित हो, तब ग्राफ कैसा रहेगा। तो ग्राफ कैसा रहेगा, ये ग्राफ आगे किसी भी आवर्ती के लिए है, ये मान लो न्यू वन आवर्ती, आवर्ती तो समान है सभी के लिए, ये तीव्रता अलग अलग है, ये मान लो इसकी तीव्रता, तीव्रता आई वन कहते हैं इसको, इसकी तीव्रता क्या है, आई वन तीव्रता के लिए। अब दूसरा प्रकाश है उसकी आवर्ती भी न्यू ही है, इसकी न्यू है तो उसकी भी न्यू ही है, न्यू आवर्ती है तो ऊर्जा दोनों की समान रहेगी, समान रहेगी तो रोकने के लिए ऊर्जा समान रहेगी, रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल समान रहेगा, निरोधी विभव समान रहेगा, अंतक विभव समान रहेगा, कट ऑफ पोटेंशियल समान रहेगा, तो ये वैल्यू समान रहेगी। इसका मतलब ग्राफ आके ही रुकेगा, लेकिन अब तीव्रता, अगर तीव्रता ज्यादा है, इफ आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, दो ही बना देता हूँ इसमें, तो क्या होगा, तो यहां से ग्राफ तो शुरू तो यहीं से ही होगा, लेकिन आगे जाते जाते इसकी तीव्रता के कारण संतृप्त धारा बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी तीव्रता ज्यादा उसकी संतृप्त धारा ज्यादा, जिसकी तीव्रता कम उसकी संतृप्त धारा कम, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब देखो तीन ग्राफ बनाए हैं, तीनों ग्राफ हमें तीन बातें अलग अलग बता रहे हैं, सारे एक जैसे नहीं है तीनों ग्राफ, तो सब में अलग अलग बात है, सब में अलग अलग बात है। अगर आवर्ती समान है तो क्या है, तीव्रता समान है तो क्या है, बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंफर्म क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक बात और रह गई है, एक दो बातें और वो करेंगे हम अगली क्लास में करेंगे, फिर उसको तब तक आप उसके लिए रिवाइज कर ले थोड़ा सा।